फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास शो फ्लैशबैक बॉलीवुड, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की पहली फीमेल एक्ट्रेस सुपरस्टार श्रीदेवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी खास वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके भी आंखें नम हो जाएंगी। जैसा कि सब जानते हैं कि बीती ही 24 फरवरी को श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर आज वो हम सब के बीच मौजूद होती तो अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती। हर साल जहाँ इस खास दिन को वो अपने परिवार के साथ मनाया करती थी, वहीं आज उनके परिवार में उनकी गैर मौजूदगी को हर किसी ने गहरे गम के साथ नोटिस किया है। जहां उनका परिवार हमेशा एक साथ होता था, जहां हर किसी सेलिब्रेशन में श्रीदेवी और बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों के साथ होते थे, वहीं आज बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों के साथ, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर के साथ अकेले ही इस खास दिन को मना रही हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी खास यादें ताज़ा करने वाले हैं जिसे देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल आज हम आपको दिखाने वाले हैं श्रीदेवी की वो आखिरी डांस वीडियो, जिसमें जश्न के माहौल में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई थी श्रीदेवी। और ये वीडियो है उनके भांजे मोहित मारवा की शादी की, जहां दुबई में वो शादी को एंजॉय कर रही थी। उसी शादी की उनकी वीडियो सामने आई थी, जो उनकी आखिरी डांस वीडियो साबित हुई। इस जश्न के बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई, और सिर्फ रह गई तो उनकी ये यादें जिन्हें आप और हम बेहद मिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं श्रीदेवी की वो आखिरी डांस वीडियो, जब इस जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई श्रीदेवी। देश जिन्हें चांदनी के नाम से जानता है, आम जनता जिन्हें हवा हवाई कहकर भी बुलाते हैं, जिन्हें बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा जा चुका है, वो हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी। दोस्तों, वैसे तो श्रीदेवी बीते ही 24 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन आज अगर वो मशहूर अदाकारा हम सब के बीच में होती तो आज अपना 55वां जन्मदिन मना रही होती। जी हाँ, आज श्रीदेवी का 55वां जन्मदिन है और उनके निधन के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है, जिसको लेकर उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले आज काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि अगर आज वो यहाँ पर होती तो हम सभी के साथ अपना ये खास दिन मना रही होती। वहीं बता दें कि आज इस खास दिन पर हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं उनकी एक ऐसी खास वीडियो, जिसे देखकर आपके भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल आज हम आपको दिखाएंगे श्रीदेवी की वो आखिरी वीडियो, जिसमें वो जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई थी। श्रीदेवी इस वीडियो में काफ़ी खुलकर डांस कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, इन्जॉय कर रही हैं। इस पल उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगी कुछ समय बाद ही। दरअसल जैसा कि सब जानते हैं कि श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे मोहित मारवा की शादी को अटेंड करने गई थी। इस शादी के हर फंक्शन में श्रीदेवी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार में वो नजर आई थी। तो वही उनकी जो ये वीडियो आप देख पा रही हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं, जहां ग्लैमर्स का तड़का लगाया श्रीदेवी ने, वहीं बेहद ही खूबसूरती के साथ डांस भी कर रही हैं। अब आज उनके जन्मदिन पर
उनकी इस डांस वीडियो को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी और एक बार फिर से आपकी वो यादें ताज़ा हो जाएंगी जब श्रीदेवी बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी दिखाया करती थी। अफसोस है कि हम अपनी एक ऐसी मशहूर अदाकारा खो चुके हैं जिसकी भरपाई ना बॉलीवुड कर सकता है ना ही कोई इंसान, और बॉलीवुड में ऐसी मशहूर अदाकारा फिर कभी शायद ही जन्म ले। श्रीदेवी ने अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उनकी बेहतरीन अदाकारी हमेशा ही देखी जाती थी। उनके करियर की 300वीं फिल्म मॉम, जो उनकी कमबैक फिल्म भी रही। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी ने सोचा था कि फिल्म मॉम के बाद वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर एंट्री कर लेंगी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी ये सबसे आखिरी फिल्म होगी। वेल, अगर बात की जाए इसके अलावा, जहां उनके जन्मदिन पर उनके चाहने वाले उनको अलग अलग तरीके से सम्मान दे रहे हैं, जहां उनके चाहने वाले उनके फैंस 18 फीट लंबी दीवार पर उनकी तस्वीर बनाकर एक खास अंदाज में उन्हें सम्मान दे रही हैं, एक श्रद्धांजलि दे रही हैं, वहीं उनकी बेटी जाह्नवी भी उन्हें बेहद मिस कर रही हैं। और आज जाह्नवी कपूर ने अपनी माँ के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है जो उनके बचपन की है। इस फोटो में जाह्नवी के साथ उनकी माँ और उनके पिता बोनी कपूर भी हैं। तीनों की ये बेहद पुरानी फोटो है। अब आप सोच सकते हैं कि जाह्नवी उन पलों को याद कर रही हैं जब वो अपनी माँ की गोद में बैठा करती थी, जब वो अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चला करती थी, जब अपनी माँ के ही हाथों से खाना खाया करती थी जाह्नवी, और जब स्कूल जाते समय हमेशा ही उनकी माँ उन्हें बेहद लाड़ प्यार से भेजा करती थी। इस फोटो से यही जाहिर होता है कि एक बार फिर से अपने बचपन में जा पहुंची हैं जाह्नवी। वहीं बता दें कि हाल ही में जब श्रीदेवी का जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, तो उसी दौरान जाह्नवी, बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर अर्जुन और अंशुला के घर पर भी गए। इस पूरे परिवार को एक साथ देखा गया इस खास दिन पर। दरअसल जहां अर्जुन कपूर ताउम्र श्रीदेवी से नफरत करते रहे, वहीं श्रीदेवी के निधन के बाद उन्होंने अपने घर की बागडोर संभाल ली। उन्होंने अपने पिता बोनी को संभाला, अपनी दोनों ही बहनों को संभाला, जहां उन दोनों बहनों से उन्होंने कभी बात तक नहीं की थी, वहीं उनका कंधा बनकर उन्हें सहारा दिया इस दुखी घड़ी में। वहीं अब श्रीदेवी के जाने के बाद ये परिवार पूरी तरह से एक हो चुका है। आज श्रीदेवी के इस खास दिन पर उन्हें अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें अलग अलग तरीके से विश भी कर रही हैं। भले ही श्रीदेवी हम सबके बीच में ना हो, लेकिन उनको दिया जाने वाला सम्मान इस बात को जाहिर कर रहा है कि आज भी उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। आज भी दर्शक उन्हें बेहद चाहते हैं और उन्हें बेहद याद भी कर रही हैं। यानी श्रीदेवी अपनी यादों के सहारे आज भी जिंदा हैं, लोगों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच, अपने घर वालों के बीच। वहीं बी टाउन में आज उनके जन्मदिन को भी मनाया जा रहा है, जहां मनीष मल्होत्रा से लेकर बाकी बॉलीवुड हस्तियों ने उनको इस जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका यूँ बधाइयां देना ही इस बात को जाहिर करता है कि उनके दिलों में वो जिंदा हैं, और ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा ही वो उनके इस खास दिन को याद रखते रहेंगे और यूं ही उनके जन्मदिन को मनाते रहेंगे। अब उनकी ये डांस वीडियोस को देखकर आपको भी कहीं ना कहीं एक बार तो उनकी याद ज़रूर आई होगी। यूं तो वो आए दिन ही लोगों के दिलों पर राज करती है, आए दिन ही वो चर्चा का विषय रहती है, लेकिन आज के इस खास दिन पर उनके इस तरह से देखना काफ़ी दुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि जहां श्रीदेवी को हमेशा लोगों के सामने देखा जाता था, इस खास दिन पर जहां उनकी वीडियोस और तस्वीरें सामने आती रहती थी, वहीं आज सिर्फ उनकी वो पुरानी तस्वीरें, उनकी वो पुरानी वीडियोस ही हमें देखने को मिल रही हैं। श्रीदेवी जो हमेशा अपने परिवार के साथ होती थी, वहीं आज उनका परिवार उनके बिना बिल्कुल ही अधूरा है। दोस्तों, ये थी श्रीदेवी की वो आखिरी डांस वीडियो जब
दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वो डांस कर रही थी अपने पति बोनी कपूर के साथ, अपने देवर अनिल कपूर के साथ। लेकिन उस समय उन्हें भी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि कुछ समय बाद उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और 24 फरवरी की आधी रात को वो कह गई हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा और दे गई एक गहरा सदमा। दोस्तों ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।